हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, फाइनली आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कम्युनिटी टैब कैसे आपको मिलेगा और आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी। तो दोस्तों, वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आपका 1K सब्सक्राइबर हो गया है तो आपको कम्युनिटी टैब नहीं मिला है अभी तक, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा एंड तक देखते रहना। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप कम्युनिटी टैब अभी तक इनेबल नहीं हुआ है तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना होगा यूट्यूब से और क्या क्या आपको करना होगा, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको जो है मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको अपना यूट्यूब का एप्लीकेशन जो उसको आपको ओपन कर लेना है। चलिए मैं यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। तो ये मेरा यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। यहां से ओपन होने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सामने आपका ऊपर में लोगो दिखाई देगा, फिर उसके बगल में आपका जो है सर्च करने के लिए दिया जाता है वो दिखाई देगा, और उसके बगल में आपको वहाँ पर वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, अपने लोगो पे टच कर देना है। यहाँ से टच जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन नज़र में आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे हेल्प एंड फीडबैक सेटिंग। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ से सिंपल से आपको हेल्प एंड फीडबैक में चले जाना है। जैसे ही हेल्प एंड फीडबैक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ऊपर में दिखाई दे रहा है डिस्क्राइब योर इशू, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं सिंपल से आपको जो है बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है सेंड फीडबैक पे। जैसे ही सेंड फीडबैक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ से अपना ईमेल दिख जाएगा ऊपर में, और आपको यहाँ से लिखने का जो है कुछ आपको लिखने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा, जो आपका चैनल ये हो चुका है 1K सब्सक्राइब आपका जो है पार कर लिया आपका चैनल, तो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो क्या क्या लिखना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिखा हुआ दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाइए उसको कॉपी कर लीजिए और आप डायरेक्ट जो है उसमें पेस्ट कर देना है। और वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, चलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, हेलो यूट्यूब टीम, माय चैनल सर फास्ट 1K सब्सक्राइब बट कम्युनिटी टैब इज़ नॉट इनेबल, प्लीज इनेबल कम्युनिटी टैब फीचर इन माय चैनल क्विकली एज वेल एज पॉसिबल टीम यूट्यूब, ये कर देना आपको। और यहाँ से दोस्तों ये देखिए, इसको यहाँ से कर देना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर ये रहने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने चैनल का नाम डाल देना है योर नाम के, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने चैनल का URL जो होता है चैनल का लिंक वो आपको डाल देना है, और यहाँ पे आपको चैनल का नाम जो है डाल देना है, और यहाँ पे आपको चैनल का लिंक डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पे चैनल का लिंक URL आप डाल देंगे, इसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, सेंड फीडबैक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो ये मेल जो है यूट्यूब के पास चला जाएगा फीडबैक, तो आपको जो है जल्द से जल्द आपको कम्युनिटी टैब जो है इनेबल कर दिया जाएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, कम्युनिटी टैब जो है आपको मोनिटाइजेशन मिला है या नहीं मिला ये मैटर नहीं करता है, आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो आपको कम्युनिटी टैब ज़रूर मिलेगा, अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर हो चुका है तब। तो दोस्तों, यही जो है आज की वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता था जो कम्युनिटी टैब कैसे लिया जाता है। और दोस्तों, मैंने भी इसी मेथड को अपना करके अपने चैनल पे कम्युनिटी टैब को इनेबल किया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि जानकारी मिली है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए